खबर जनपद मिर्जापुर से। बिंद गंगे सेवा समिति द्वारा शारदीय नवरात्र पर किया गया प्रसाद वितरण। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने शारदीय नवरात्र के अष्टमी को विंध्याचल अष्टभुजा और काली खो त्रिकोण यात्रा मार्ग पर माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की, जो कि दर्शनार्थियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस प्रकार कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कराई गई थी, उसी तर्ज पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों से माता का त्रिकोण करने वाले दर्शनार्थियों के ऊपर पुष्प वर्षा करवाया गया। काली खो मार्ग पर बिंद गंगे सेवा समिति द्वारा प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी की माता नंद रानी देवी एवं नगर के सबसे वरिष्ठ नागरिक 113 वर्षीय माता गुलाम दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माँ विंध्यवासिनी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारम्भ कार्यक्रम का किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने त्रिकोण करने वाले आने वाले सभी भक्तों को फलाहार का वितरण किया एवं उन पर फूलों की वर्षा भी की। बता दें कि बिंद गंगे सेवा समिति विगत 18 वर्षों से प्रत्येक नवरात्रि पर इसी तरह से फलाहार और प्रसाद वितरण किया जाता रहा है। इस प्रकार भी भक्तों को प्रसाद के रूप में केला, सेब, सिंघाड़ा व हलवा, मूँगफली आदि का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार नगर पालिका के द्वारा त्रिकोण करने वाले के लिए आने वाले भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कराई जा रही है। इसके साथ ही भक्तों को प्रसाद का वितरण भी कराया जा रहा है। बिंद गंगे सेवा समिति द्वारा विगत 18 वर्षों से इसी तरह से प्रसाद का वितरण किया जाता रहा है। उक्त अवसर पर DGC क्रिमिनल आलोक राय, बालाजी केसरवानी, जसविंदर सिंह, सभासद शिव सोनी, जलकल अभियंता सुधीर वर्मा, अवर अभियंता सुनील मौर्य, जटाशंकर पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस फलाहार वितरण के बारे में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी एवं दर्शनार्थी क्या बता रहे हैं। नवरात्र का अष्टमी का महापर्व चल रहा है। इस पर्व पर काली खो मार्ग पर नगर पालिका की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, वो भी फलाहार सात्विक। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी व्यवस्था रही है। जी, आज यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है नगर पालिका की ओर से। कितने नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों पर हर साल हमारी सरकार पुष्प वर्षा कराती है, हमारे अपने शहर में माता विंध्यवासिनी का धाम है, बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में यात्री दर्शनार्थी माँ के भक्त आते हैं, कांवड़ त्रिकोण करते हैं, ऐसे सभी त्रिकोण यात्रियों पर पुष्प वर्षा आज अष्टमी के दिन नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा किया जा रहा है। और बिंद गंगे सेवा समिति पिछले 18 वर्षों से हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करा रहे हैं, उसका भी मैं अध्यक्ष था, उसके माध्यम से हम लोग प्रसाद वितरण का कार्य उसी हर नवरात्र के अष्टमी में कराते हैं, उसी क्रम में आज प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या है प्रसाद में? माँ का प्रसाद है, फलाहार है, कुछ जो भी व्रत का आइटम है वो सब है। परिचय बताएं। जी, मैं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मिर्जापुर आलोक राय। जी, आज यहाँ नगर पालिका परिषद की ओर से जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? ये नगर पालिका परिषद मिर्जापुर की ओर से 9 दिन जो लोग अनवरत व्रत रहते हैं उनके लिए प्रसाद वितरण का बड़ा ही अच्छा व्यवस्था किया गया है, जिसके क्रम में अपना सिंघाड़े का हलवा है, फल के रूप में जो है केला, सेब, जी केला सेब, और साथ ही जो है वो मूँगफली के दाने, ये सब बड़े ही अच्छे व्यवस्था किए गए हैं। और अब तक जो है ऐसा बराबर ही देखने में नहीं आता था कि नहीं जो है पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इस तरह कार्यक्रम किए गए हों प्रसाद वितरण के रूप में, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इसके पहले कभी जब भी होता था वो रोजा के बाद का कार्यक्रम तो होता था, लेकिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो अपने आप में एक बड़ा ही सरकार का सराहनीय कार्य है। और साथ ही आने जाने वाले दर्शनार्थियों के ऊपर पुष्प वितरण किया जा रहा है, जो ये सिद्ध कर रहा है कि दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान सरकार के द्वारा रखा गया है।